मोबाइल नंबर बदलकर खाते से पैसा उड़ाने वाले दो साइबर ठग गिरफ्तार। बस्ती जनपद के गौर थाना अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने मोबाइल नंबर बदलकर खाते से पैसा उड़ाने वाले दो ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से ठगी का 1,00,000 रुपया व अन्य सामान बरामद किए हैं। बताते चले कि गत 25 अगस्त को गौर थाना क्षेत्र के अजगवा जंगल निवासी हीरालाल पुत्र राम सुमेर ने गौर थाने पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 23 जून को उसके खाते से बिना उसकी जानकारी के 1,05,000 रुपए कई बार में निकाल लिए गए, जिसकी जानकारी मेरे बैंक पहुंचने पर हुई। मामले में प्रार्थी ने शिवाकांत निषाद के ऊपर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर बताया था कि कस्बे में शिवाकांत निषाद, जो कि स्टेट बैंक का CSP चलाते हैं, उन्होंने ही हमारा पैसा निकाला था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। उसी क्रम में आज गौर थाना अध्यक्ष पंकज गुप्ता व उनकी टीम ने घटना के आरोपी शिवाकांत निषाद व विकास निषाद को गिरफ्तार कर उनके पास से ठगी का 1,00,000 रुपया नगद, 1 लैपटॉप, 24 आधार कार्ड व 10 ATM कार्ड के साथ अन्य कई सारे दस्तावेज बरामद किए हैं। जिला बस्ती से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कैसे लोगों को चुना लगा? साइबर सेल की जो टीम ने एक घटना का अनावरण किया है, गौर थाने में 25-8-2020 को हीरालाल नाम व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खाते से 1,05,000 रुपया निकाल लिया गया है। FIR दर्ज की गई, इसमें थाना गौर की टीम लगी, हमारे साइबर सेल के प्रभारी लगे और टीम लगी, और उसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में इनको सफलता प्राप्त हुई है। एक का नाम है शिवाकांत निषाद, जो निवासी कुड़वा थाना नगर का रहने वाला है, और दूसरा है विकास निषाद, जो बनगटा थाना गौर का रहने वाला है। इनके पास से जो साइबर क्राइम के द्वारा जो 1,00,000 रुपया ठगी की गई थी, वो 1,00,000 रुपया बरामद हुआ है, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, स्वाइप मशीन बरामद हुई है, थंब इम्प्रेशन मशीन बरामद हुई है, फिनो पेमेंट बैंक की डिवाइस बरामद हुई है, 3 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक माउस और 24 अदद आधार कार्ड विभिन्न नामों के, 1 अदद आधार कार्ड व 1 अदद बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी बरामद हुई है, 10 अदद मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, ग्रीन कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि शिवाकांत एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था और जिसके पास ये वादी हीरालाल आता जाता था। हीरालाल के अकाउंट और मोबाइल नंबर इसने प्राप्त कर लिया और विकास निषाद के माध्यम से, जो SBI में प्राइवेट नौकरी करता था, उसको कंप्यूटर की जानकारी थी, उसके माध्यम से हीरालाल का जो मोबाइल नंबर था उसकी जगह इसने, विकास निषाद ने एक दूसरा मोबाइल नंबर उससे ऐड कर दिया, और उस मोबाइल नंबर के माध्यम से एक बार 5,000 तथा दो बार 49,999 करके खाते में किसी तीसरे आदमी के खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ से वो पैसा ले लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता रही है साइबर क्राइम की, जिसमें हमारे प्रभारी साइबर सेल के उप निरीक्षक विकास यादव और प्रभारी निरीक्षक गौर पंकज गुप्ता की टीम शामिल रही है। हॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।